धरियावद विधानसभा क्षेत्र अजनस लसाड़िया ब्लॉक मुख्यालय पर कांग्रेस कमेटी का बूथ जिताओ भ्रष्टाचार मिटाओ अभियान की बैठक महादेव मंदिर परिसर में संपन्न हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं ने पूर्ण जोर देते हुए परिवर्तन की मांग किया और कांग्रेस को नए चेहरे की उम्मीदवारी दिए जाने की मांग उठाई। एक चेहरे को बार बार उम्मीदवारी देने पर 20,000 वोट से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है। उपवास सम्मेलन के दौरान ब्लॉक स्तरीय कई पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने खुले दिल से कहकर एकजुटता दिखाई। बैठक में नवीन ब्लॉक कार्यकारिणी का अभिनंदन किया गया। वहीं तहसील क्षेत्र से पूर्व सरपंच रूपलाल मीणा को उम्मीदवारी दिखाते हुए कार्यकर्ता ने एक स्तर से हाथ खड़े कर समर्थन किया एवं सभी पंचायतों में बैठक आयोजित कर जनसंपर्क किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही वक्ताओं ने आरोप लगाया कि महज धरियावद मुख्यालय में लगातार 4 बार एक ही चेहरे को टिकट दिया गया था, क्या कांग्रेस में कोई जिम्मेदार नया चेहरा नहीं है? इस एकाधिकार को समाप्त करने की मांग दोहराई तथा नए चेहरे के रूप में धरियावद उपखंड मुख्यालय से पूर्व सरपंच एडवोकेट केवी मीणा व लसाड़िया मुख्यालय के पूर्व सरपंच रूपलाल मीणा को मौका देने का आह्वान किया। 20 साल पहले साइन कर चुके हैं, अब उसको साइन नहीं करेंगे क्योंकि वो व्यक्ति खुद के उसके खुद की पंचायत में बढ़त नहीं बनाता है, वो व्यक्ति हमारे पर क्या कर सकता है, इसलिए हम कदापि उसको वोट दिलाने के पक्ष में नहीं है। परिवर्तन होगा तो सीट निकलेगी और सरकार बनेगी, नीतीश सरकार भी जीत जाएगी। बूथ जिताओ, भ्रष्टाचार मिटाओ और कांग्रेस को मजबूत करो। कांग्रेस मजबूत होगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी गांधी का हाथ मजबूत होगा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट का हाथ मजबूत होगा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का हाथ मजबूत होगा। और मैं सभी से ये आह्वान किया है और दीपावली पे सभी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह रखा है और ये विशेष तौर पे ये निवेदन करना चाहता हूँ हमारी पार्टी के बड़े आलाकमान नेताओं से कि विगत 2 साल से रूप जी जो कि सरपंच लसाड़िया के, इन्होंने ही कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक लसाड़िया के कार्यकर्ताओं को और ब्लॉक जलारा के कार्यकर्ताओं को जिंदा रखा है। नगराज जी चुनाव हारने के बाद में या चुनाव जीते थे उस समय भी कभी भी हमारे को आके इन्होंने बोला क्या समस्या है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। और विगत 2 सालों से रूप जी ने जो मेहनत करे और कार्यकर्ताओं को संगठित करके रखा है, इस आधार पे हमारा एक ही निवेदन है आला कमान से कि पार्टी टिकट चेंज करे, रूप जी को एक बार टिकट दे, मौका दे। हमारा ये कर्तव्य बिल्कुल पूरे फुल पावर और पूरी ताकत रहेगी कि रूप जी को भारी मतों से जिता के भेजें यहाँ से। हमारा यही आला कमान से निवेदन है।